नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जिले के सादाबाद में रायर। आज हम देखेंगे चिप्सोनावन आलू की पैदावार। यहां पर हमारे साथ काफ़ी किसान भी हैं और ये जो नस्ल है चिप्सोनावन वो हमारे सादाबाद जनपद हाथरस में पहली बार हुई है। ऐसे में इसका किसान जो है इसकी उत्सुकतापूर्वक देखे हुए हैं कि आखिर चिप्सोनावन जो है कैसी पैदावार निकलती है। तो पैदावार के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। भैया से पूछ लें, भैया आपको ये जो नस्ल है चिप्सोनावन वो कैसे आपको महसूस हुई कि हमारे सादाबाद में चिप्सोनावन लगानी चाहिए? ऐसा है, पहली बात तो इसमें आलू अच्छा निकलता है, ज़्यादा निकलता है और बिक्री भी अच्छी होती है, और ये डायरेक्ट कंपनी के लिए ज़्यादा जाता है और फुटपाथ पे कम बिकता है। फुटपाथ पे कम बिकता है क्या? जय, इसके अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितना निकल आता होगा? जब जैसा कि आपने हमें फ़ोन पे बताया था कि भैया इसकी पैदावार जो है 70-80-85 यानी आपने नॉर्मल 80-85 बताया था, लेकिन हमें औसतन लेके चल रहे हैं तो 65-70 के बीच निकल आती होगी। 65 के अलावा निकल आता है। तो ये बीज आपको कहाँ से मिला था? बाहर से CPRI के माध्यम से लेके आए। चिप्सोनावन अभी पहली बार आपने सादाबाद में किया है, रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं बहादुरपुर देवकरण का, और खेत किया है। तो ये बताइए कैसी पैदावार निकल रही है अगर आप बात करें 37-97 की, और उसकी और सभी नस्लों के बारे में बताइए। देखो मैं बताऊँ, अभी तक तो रोग ज़्यादा है नहीं, और कोई भी कहीं भी ऐसी फसल ऐसा सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया कि जहाँ पे फसल बर्बाद हो गई हो। कोई रोग नहीं है, ना चुर्री है, कुछ नहीं है, और फसल बम्पर फसल आ रही है। और कहीं भी चाहे आप चिप्सोना देख लें, आप 37-97 देख लें, हाइब्रिड कोई सी भी देख लें, बहुत अच्छी फसल आई है, कहीं भी नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, और आलू अच्छा निकल रहा है। किसान ये देखना चाह रहा है कि भैया आप चिप्सोनावन में खड़े हैं, चिप्सोनावन कहीं नष्ट तो नहीं है? जरा जरा ये पेड़ों को दिखा दीजिए और देख लेते हैं किसान साथियों। भैया पेड़ जो दिखा रहे हैं, देखिए अभी तक चिप्सोनावन का जो है पेड़ देखिए बिल्कुल डार्क ग्रीन, यानी कि पहले क्वालिटी अगर देखा जाए ना तो अन्य उसके मुकाबले काफ़ी हरा भरा रहता है, यानी कि बिल्कुल डार्क, यानी कि बहुत गहरे रंग का। ये चिप्सोना की खास बात होती है। और अगर इसकी पैदावार की बात करें तो पैदावार भी हम आज आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं चिप्सोनावन जो है अपनी खास क्वालिटी के लिए मशहूर होता है। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए, जहां अन्य जो प्रजातियां होती हैं वो चिप्स चाहे वो फ्राइसोना हो, हिमसोना हो, चाहे कोई और हो, लेकिन उनमें इतना बड़ा ये रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता। देखिए आल जो है अभी तक, यानी पौधा अभी तक बिल्कुल हरा पड़ा हुआ है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका पौधा जो इसका जो ट्यूब है उसे उसका क्या हो रहा है उसे भी हम देखेंगे। भैया से पूछेंगे, भैया इसका राज क्या है जो आपकी हरी आल पड़ी हुई है? ये हाइब्रिड में आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि राज जब तक रोग नहीं आएगा तब तक आल ऐसी रहेगी, 100 दिन के बाद भी इसकी आल ऐसी रहती है। लगभग कितने दिन का आलू हो गया होगा ये? अभी हो गया 90 दिन का। 90 दिन का तो आल कटवानी पड़ेगी या कुछ जल जाएगी? अब तो कटवानी पड़ेगी। कितने अब नहीं जलेगी, अब तो टाइम पूरा हो। तो इसकी पैदावार दिखाएंगे जरा? हाँ बिल्कुल। तो भैया इसी पेड़ को उखाड़िए जरा, देखिए मैं आपको चिप्सोनावन की एक खास बात बता दूं। चिप्सोनावन बिल्कुल उसी प्रजाति का होता है जिस तरीके का आपने देखा होगा जो नीलकंठ होता है, लेकिन नीलकंठ के अलावा इसमें जो गुण है वो अलग ही पाए जाते हैं। देखिए तने का विकास भी देख लीजिए, ये सब कुछ देख लीजिए। तो मैं भैया से कहूँगा, भैया ये एक ही उसे इसे पूरी तरीके से, और भैया इसे पकड़िए और इसे धीरे उठाइए, खोदो इसे जोड़ लगा के खोदो। देखिए आलू का चैन निकलता आ रहा है, और ये देखिए भैया ने जो है आलू जो है पूरी तरीके से, अब ये देखिए, अब आप खुद देख लीजिए कितने ट्यूबर इस पर लगे हुए हैं। और आलू की बात करें तो देखिए आलू भी यहाँ पर, देखिए भैया ने ये देखिए आलू की भी वो कर लीजिए भैया ने, अब मोटा ज़्यादा है तो चलिए अभी और फूलेगा। भैया ने अभी ये पूरा पेड़ खोदा है, और पूरा पेड़ खोदने के बाद में देखिए ये रहा पूरा पेड़, देखिए ये भैया ने पूरा पेड़ खोदा है, और अब इसकी उत्पादन देख लेते हैं कितना उत्पादन यहाँ पर निकला है। भैया इस पेड़ को पूरे का गिन को बताइए। ये है भैया देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 भैया एक बात बताइए, इसमें कोई क्या टॉनिक वो यूज़ किया था, क्या किया था कि चिप्सोनावन में ज़्यादातर अगर देखा जाए? नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं, टॉनिक कोई यूज नहीं किया, बस थोड़ी सी मतलब दवा तो 2 स्प्रे हमने रोग की है, रोग के बाद इसमें फिर थोड़ा बहुत फुलाने का लगा दिया, उन्हें अपने आप ही खुलता चला जाता है, इसमें ज़्यादा फुलाने दवाई लगाने की 37-97 में हम दवा ज़्यादा यूज करते हैं फुलाने की। ये देखिए किसान साथियों,
मैं आपको ये आलू पूरा दिखा देता हूँ। देखिए ये अंडाकार होता है, चिप्सोना वन अगर देखा जाए तो अंडाकार होता है, आप इसे गोल नहीं बता सकते हैं, ये अंडाकार होता है और अंडाकार जो है। और ये देखिए तो आलू लंबा है और सब अंडाकार ही है। ये देखिए यानी कि कुल मिला के पूरा अंडा अंडाकार ही होता है। जी भैया क्या कह रहे हैं जी? एक दो आलू ही लंबा होता है, सब अंडाकार होता है, इसमें गोली होता है, सब गोली होता है। अगर ये बात बताइए अभी तक ये इतना इसका फुलाव हो गया है, अगर ज़्यादा फुलाव जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? ये ऐसा ऐसा आलू हो जाता है इतना ऐसा। तो अब इससे हम क्या मान सकते हैं कि पैदावार कम है या ज़्यादा है? पैदावार ज़्यादा है इस बार, पैदावार ज़्यादा है सभी के। हाँ रोग है नहीं अभी क्षेत्र में? बिल्कुल रोग नहीं है, कहीं भी देख लीजिए यार, सादावा क्षेत्र बहुत कम रोग है। कहीं किसी गांव में हो कमजोर खेत है तो उसमें तो रोग आएगा आएगा, अगर खेत अच्छा है और लाग अच्छी लगाई है तो उसमें रोग है नहीं। अगर बात करें भैया देखिए अभी मैंने अभी आपका ये देखा चिप्सोना वन, चिप्सोना वन क्योंकि क्षेत्र में पहली बार आपने किया है, और जैसा कि किसान जो है ये ज़्यादातर जो है तराई इलाकों में होता है, तराई इलाके पीलीभीत बदायूं आपका शाहजहांपुर बरेली उन साइड में होता है, हाथरस साइड में जक्सन साइड में भी चिप्सोना बहुत है। चिप्सोना वो चिप्सोना है, चिप्सोना वन नहीं है। अगर चिप्सोना की बात करें तो किसान साथी मैं पूछ लेता हूँ भैया, तो चिप्सोना कितना निकलता है एक पेड़ के नीचे? चिप्सोना भी खूब निकलता है। कितना लगभग? इतना पता नहीं है, लगभग 18-20 18-20 कम से कम। और हिमसोना उसका इतना नहीं है। प्राइस होना यानी कि 30-32 तो निकल ही आता है प्राइस होना में। तो ये प्राइस होना की उन्नत नस्ल है यानी कि चिप्सोना वन। चिप्सोना थ्री तो यहाँ किसी ने नहीं किया होगा? नहीं, नहीं। पर लेकिन ये आइडिया आपको आया कहाँ से, ये बता दीजिए चिप्सोना वन का? साला यूट्यूब पे देखा हमने। बीज भी आप ब्रीडर के माध्यम से लिए? और क्या। तो ये बताइए अभी किसान जो है काफ़ी आशंकित है कि चिप्सोना वन में इतना आलू नहीं निकलता, कुछ बैरूपी है अभी जो किसान हैं वो ये कहेंगे कि चिप्सोना वन में इतना आलू नहीं निकलता, उनके लिए क्या जवाब है? करके देख लो ना, क्या दिक्कत है, करके देख लें। पूरी फसल जो है अगर 2022 की मैं आपसे बात करूं, 2022 में पैदावार कैसी निकल रही है? अगर अपने हाथरस जिले को छोड़ दें तो बाहर क्या स्थिति है? बाहर हमारे इधर पीलीभीत बरेली की तरफ बहुत अच्छी फसल है और यहाँ भी बहुत अच्छी फसल है, कहीं भी देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं गड़बड़ हो तो उसे कह नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में तो फसल अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ, तो इस बार से क्या अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, रेट बढ़ेंगे कि? नहीं, मुश्किल है रेट। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों के लिए सलाह ये है कि अगर खेत में बिक रहा है, खेतों बिक रहा है जैसा भी है, उसे ज़्यादा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि किसान के पास इतने तो कट्टे हैं नहीं, 1000 कट्टे से ऊपर वो बाहर ले जा सके, 100-200-300 कट्टे तो कम से कम खेत में बिक रहा है तो खेत में बेच ले, यानी समय दर समय बेचते रहना। हाँ, भैया क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि किसान ज़्यादा स्टॉक कर भी नहीं सकता है, और करेगा तो उसके पास संसाधन नहीं करने के, तो इससे बेटर ये रहेगा कि वो अपना धीरे धीरे फसल खेती में निकालता रहे तो उसे अच्छा रेट मिलता। पिछली बार ऐसा हुआ था भैया, आपने भी देखा होगा कि किसान जो 1000 के रेट आ गया था, 2000 के रेट भी सपने देख रहा था, और कई बार हमने भी कह दिया था कि 2000 होंगे, फिर उससे फर्क पड़ा। हाँ यही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं हम, किसान बेचारा भोला है और किसान अपने फसल के रेट ले ही नहीं पाता, क्योंकि जब भी रेट बढ़ते हैं तो किसान अपनी फसल को रोक लेता है, 1000 पहुंच गया तो वो सोचता है 1100 होगा 1200 होगा, और जब गिरते हैं तो फिर वो उस आस में रहता है कि रुक जाए, फिर उसकी फसल बिक नहीं पाती है। यानी इस समय आपका क्या कहना है, समय दर समय आलू निकालते रहें? बिल्कुल हाँ, जब भी उसे लगे कि हाँ रेट अच्छा है तो निकाल दे, इस चक्कर में ना रहे कि 1000 बिकेगा। ये थे मेरे साथ में चिप्सोना वन आलू के यहाँ से फुल रिव्यू, और मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि चिप्सोना वन हमारे सादावा जनपद हाथरस में भी हो रहा है, और पैदावार की बात करें तो जहाँ पर चिप्सोना जो है 20 से 25 दाने निकलते पार कर चुकी है, तो ऐसे में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सारा कुछ भैया मौजूद हैं, भैया ने गिना भैया ने खोदा, यानी कि दोनों भैया यहाँ मौजूद रहे और इन्होंने बताया कि इसकी पैदावार बंपर निकलती है। अब बात आती है भैया बीज की, तो बीज किसान चाहते हैं कि चिप्सोना वन अगर सादावा जनपद हाथरस में हो रहा है बीज कैसे मिले? बीज तो देखो हम लोगों ने तो YouTube पे देख के मंगाया था यहीं से। अगर किसान आपसे लेना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा किसानों को? अब तो इस बार तो अपने लिए ही है, किसान के लिए कहाँ से दे दें, अपने पहली बार हमने थोड़ा ऐसा किया है, अब इसके बाद अपने खेतों में करेंगे इसको, बाकी किसी को देने लायक नहीं है। तो किसान साथियों ये था मेरे साथ हाथरस जिले से चिप्सोना वन आलू का फुल रिव्यू, और मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि चिप्सोना वन की कैसी पैदावार निकली है, और जहाँ तक है अगर हाथरस जिले से लेकर आगरा अलीगढ़ मंडल की बात करें तो पूरे यूपी में पैदावार बम्पर है, और इस तरीके से कोई भी अफवाहजी जो फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है कि आलू घर गया, आलू फेंक गया, पंजाब में ये हो गया या पश्चिम बंगाल में ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पुरानी वीडियो, कहीं कहीं जो निचले इलाके हैं वहीं पर नुकसान हुआ है, ज़्यादातर
किसी इलाके में नुकसान नहीं है और फसल 2022 में अच्छी है। निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा कि अपना आलू 2022 में सामर्थ्य के अनुसार जैसी आपकी डिमांड वैसी आप अपना आलू निकालते रहिएगा। ये था मेरे साथ में हथरस जिले से आलू का रिव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।